require is stretched, S-T-R-E-C-H-E-D, no, stretched. A 10 ohm thick wire is stretched so that its length becomes 3 times. So that its length becomes, थ्री टाइम्स. आपने ऐसा स्ट्रेच किया कि उसकी लंबाई तीन गुनी हो गई. अज्यूमिंग दैट देर इज नो चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं है. डेंसिटी आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, बहुत ही सरल बेसिक सवाल है. इसके अंदर ज्यादा बुद्धि लगाने का नहीं है. लेंथ तिगुना हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा. तो ये 10 है तो वो कितना हो जाएगा, 30. तो तुम ना बताओगे यार, मेरे को क्या पता. वही A/3 हो जाएगा. ये हम नहीं जानते, तुम क्या बोलते हो अपना समझो. आई हैव नो आइडिया. 9 टाइम्स हो जाएगा. फिर मजाक कर दिया तुम, 9 टाइम्स कैसे हो जाएगा. R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा. रेजिस्टेंस 10 था, 3 गुना हुआ, 30 हो गया. एरिया कम होगा ना, लिखा है क्या एरिया कम होगा, लिखा है एरिया कम होगा, डायमीटर कम होगा. तो आप बताइए कि होगा कि नहीं होगा. पर लॉजिक कहां, लिखा तो नहीं है. आ जाए नहीं, कुछ नहीं लिखा जाए हो जाएगा. कुछ तो लिखा होना चाहिए ना उसके लिए. लिखा है, आप देख नहीं पा रहे. डेंसिटी कांस्टेंट लिख दिया. डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम. अगर ये कांस्टेंट है, तात्पर्य मास बाय वॉल्यूम कांस्टेंट है. मास किसी चीज का सदैव कांस्टेंट होता है. तो इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है कि आपका वॉल्यूम भी क्या है, कांस्टेंट है. और वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है एरिया इनटू लेंथ भी क्या है, कांस्टेंट है. और एरिया इनटू लेंथ कांस्टेंट मतलब A1L1 मस्ट बी इक्वल टू A2L2. इनिशियल एरिया इनटू द इनिशियल लेंथ मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एरिया इनटू फाइनल लेंथ. अच्छा, इनिशियल एरिया को मान लीजिए मैं ए मानता हूं. पहले ये डब्बा बना लेते हैं. ये तो हम लोग कहां से पता चला, उसने ही बोला था कि डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है. यहीं से ये बात पता चली. ऐसा नहीं कि होता है, हो रहा है. हाँ, बच्चा है, पैदा हो रहा है. हो कैसे जाएगा अपने से, करना पड़ता है उसके लिए. हो कैसे जाएगा, A1 into L1 मस्ट बी इक्वल टू A2 into L2. A को मान लीजिए मैं A मानता हूं, लेंथ उस टाइम पे L है. A2 मुझे नहीं पता, पर L क्या हो गया, 3L हो गया. तो A2 क्या निकलेगा, L से L कैंसल, A2 निकलेगा A/3. ऐसे मुझे बताना होगा कि कैसे उसका एरिया क्या निकला, A/3 निकला. ऐसे नहीं कि होता है इसीलिए A/3 हो गया. ऐसे लिख के बताना होगा उसको. एक बार पीछे कीजिए, ये लॉजिक ध्यान रखना है. कैसे ये बात लिखी हुई थी, तो ऐसे ही नहीं ना हवा में कुछ लिखा हुआ है. हवा में नहीं लिखा है ये बात, जो लिखा है इसको हम लोग को यथार्थ में लेके जाना है कि क्या लिखा हुआ है. ये लिखा है डेंसिटी कांस्टेंट है. डेंसिटी कांस्टेंट मतलब मास बाय वॉल्यूम कांस्टेंट. मास सदैव कांस्टेंट होता है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है. और जब कभी भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यानी एरिया इनटू लेंथ क्या हो गया, कांस्टेंट. और एरिया टू लेंथ कांस्टेंट है, तो आपका एरिया अगर ट्रिपल हुआ है तो एरिया ऑब्वियसली, लेंथ अगर ट्रिपल हुआ है तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. बढ़े आगे. अब
ओल्ड रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, न्यू रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू रो बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग द मटेरियल बट एल डैश बाई ए डैश, एल डैश बाई ए डैश। अब इसको ए टू माने हैं तो यहां पे भी ए टू को ए डैश ही कर दे रहे हैं क्योंकि मुझे यहां ए डैश चाहिए। अब आपको आर डैश निकालना है तो आप आर डैश बाई आर कर दीजिए, आर डाई वैश आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होल डिवाइडेड बाई रो, तो रो ही रह जाएगा, एल डैश की जगह पे क्या लिख देंगे 3L, और ये ए सही लिख रहे हैं, नहीं गलत लिख दिए, ये ऊपर वाला जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3L और ये हो जाएगा a बाई थ्री होल डिवाइडेड बाई रो एल बाई ए, क्लियर। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो क्या क्या कटेगा, रो से रो कट गया, ल से ल कट गया, अ से अ कट गया, और ये आ गया 9 times, और यहां से जब आप इसको सॉल्व किए तो न्यू रेजिस्टेंस आर डैश बिकम्स 9 times आर, दैट इज आर डैश इज इक्वल टू 9 times द वैल्यू ऑफ 10, दैट इज आर डैश इज इक्वल टू हाउ मेनी ओम, 90 ओम, एंड दैट इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऐसे आना है ना कि अपने मन से हमको लग रहा है इसीलिए हो जाएगा, आदमी को तो बहुत कुछ लगता रहता है कि हमको उससे प्यार है, तो क्या है पागल, हम भी जब पढ़ रहे थे तो लगता था कि ऐश्वर्या राय से हमको प्यार है, तो थोड़ी क्या ऐश्वर्या राय से प्यार हो गया पागल, क्या दिखाया जाएगा भाभी क्या क्या देखेगी यार। चलिए अगला सवाल लिखिए, अ गिवन वायर